भागलपुर जिले के कजरेली थाना क्षेत्र के अमरपुर भागलपुर मार्ग कजरेली थाना से महज 200 मीटर की दूरी के लक्ष्मण्य पुल के पास दो साइकिल सवार छात्रा को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिससे कि एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से जख्मी है। बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पर पहुंचे आसपास के लोगों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को 3 घंटा तक जाम कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कजरेली पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वहीं तीनों थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से जाम को हटवाया गया। वहीं पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी छात्रा को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेज दिया गया है। मृतक छात्रा की पहचान कजरेली थाना क्षेत्र के कुमरत निवासी प्रमोद चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री स्वाति प्रिया के रूप में की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार और मिनी ट्रक में टक्कर होने से कार सवार 3 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अगले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार तीनों व्यक्ति अपने होटल से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी मिनी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार तीनों व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंगदा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी सनोज यादव, कैप्टन यादव और खगड़िया जिला निवासी प्रभाकर यादव के रूप में की गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना गोपालपुर थाने को दे दी गई। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया एवं दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ये तो सर 3:30 बजे सर यहाँ आवाज की सुना पे हम यहाँ को थाना वाले को फोन किया सर। थाना वाले मौजूद हैं। क्या हुआ है? तो हम तो होटल इंडिया से थोड़ा दूर में सर। हम तो होटल चलाते हो क्या? जी सर। कौन, क्या नाम होटल का? प्रिया ढाबा। तो कैसे, क्या घटना हुआ, कैसे पता चला? तो पता आवाज से हमको पता चला था, धमक के आवाज से। कोई बोला टायर फटा, हम बोले ना एक्सीडेंट हुआ। तो आदमी वहाँ से दौड़ा तो देखा कि तीनों आदमी मृत्यु हो गया है। जी सर। सुनिए, हम अकेले घर शिफ्ट कैसे करेंगे? ये सामान लाना ले जाना ओफो। अकेले नहीं, हमारे साथ है मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, जो हाउस होल्ड गुड्स पैकिंग एंड शिफ्टिंग, लोकल एंड आउटडोर शिफ्टिंग, ऑफिस फर्नीचर शिफ्टिंग कराते हैं कहीं भी कभी भी। गोराडी थाना क्षेत्र के रहने वाले शंकर मंडल की पत्नी उषा देवी सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल ने गोराडी थाना में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता देख शंकर मंडल अक्ष के कार्यालय आवेदन लेकर पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल ने बताया कि कुछ माह पूर्व हमारे घर एक सत्संगी बाबा आया। इसके बाद लगातार हमारे घर पर सत्संगी बाबा आते रहा और हमें भनक भी नहीं लगा कि हमारी पत्नी के साथ सत्संगी बाबा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब फरार हो गई तो पता चला कि उसी सत्संगी बाबा के साथ हमारी पत्नी फरार हो गई है। मेरी पत्नी सत्संग बाबा के साथ में भाग गई है। कब? 18/6 को। कहे भाग गई, क्या होता था? वो सत्संग के बहाने से उसको लेकर के भागा। सत्संग पहले करती थी दोनों, हमारे यहाँ आता जाता था और आने जाने के दरमियान में उसको फंसा करके लेकर के भाग गई। संघ लोक सेवा का परिणाम बुधवार को जारी हुआ है, जिसमें भागलपुर जिले के रहने वाले राजकुमार चौधरी के पुत्र राहुल राज ने 143वां रैंक हासिल किया है। राहुल का वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर चयन हुआ है। राहुल की माँ ललिता देवी आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका है और राहुल के पिता छोटे व्यापारी हैं। राहुल का चयन होने के बाद माता पिता और बुजुर्ग दादी भावुक हो गए। आपको बता दें कि राहुल राज 6ठे प्रयास में सफल हुए हैं। राहुल राज ने कहा कि इंसान को खुद पर भरोसा रहते हुए कोशिश जारी रखना चाहिए और असफलता से घबराना नहीं चाहिए। स्टार्ट 2018 से किए थे करना और अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे। इस चीज में लगातार प्रयास में थे। क्या माहौल है घर का? सब लोग खुश हैं, थोड़ा सेटिस्फाइड हैं कि फाइनली कुछ हुआ है। आपकी माँ आंगनवाड़ी सेविका है जी। कैसे माँ पिता ने आपको पढ़ाया? कितना संघर्ष भरा जीवन रहा था? शुरू में संघर्ष तो था जैसा भी था, बट ठीक है। आगे जा करके जब एक बार आईटी में चयन हो गया, फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, जॉब करने गए थे सॉफ्टवेयर डेवलपर का, तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्टेड था कि यहाँ से तो आगे ही बढ़ना है। तो सपोर्ट घर वालों ने भी उसी तरीके से किया, हर लेवल पे, जिस लेवल पे भी हो सका। भागलपुर जिले के पीरपैंती रेफरल अस्पताल में पदस्थापित डॉक्टर नीरज कुमार राज ने एक मरीज को कहा कि यहाँ पर इलाज नहीं होगा, आप मेरे निजी क्लिनिक आइए, अच्छा से इलाज कर देंगे। मामला पीरपैंती रेफरल अस्पताल का है।
जहां सृष्टि कुमारी के परिजन इलाज कराने के लिए आए हुए थे। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नीरज कुमार राज ने एक सुई और दो बॉटल पानी चढ़ाकर उसको अपने पास की निजी क्लिनिक में बुलाया। सृष्टि के पिता ने बताया कि दोपहर के 2 बजे से मेरी बेटी का काफी तबीयत खराब है, लेकिन डॉक्टर नीरज कुमार राज इलाज करने के बजाय अपने निजी क्लिनिक में बुला रहे हैं। 2 दिन से मतलब जो है ना, परसों रात में भी लाए थे, परेशानी था, मतलब उल्टी पखेना लेट्रिन हो रहा था। हाँ। फिर सुबह बोला चले जाइए आप, और फिर 9 बजे कल दिन में बुलाया। इसके बाद बोला अभी शाम को आए तो बोला 2 सुई। कौन कौन बोला? नीरज सर थे, डॉक्टर नीरज, मतलब ड्यूटी वही थे, वही देखे थे। जी जी। अच्छा, क्या बोले वो? वो बोले क्या, इनको 2 सुई लगा, हम यहाँ पे दवाई चला देते हैं। हाँ। और इसके बाद जो आप आइए वहाँ पे क्लिनिक पर, जाँच कर देंगे, जाँच करने के बाद वहाँ से फिर आप कौन निजी प्राइवेट क्लिनिक पे। प्राइवेट। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।